राधे प्रिंस। चलिए आज के नाश्ते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने देखा ये कितना ज़्यादा दिखने में डिलीशियस है, खाने में उतना ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए झटपट से आज के नाश्ते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, जो भी आप तेल खाना पसंद करते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च छोटे छोटे पीस में काट करके और 1 प्याज को छोटे छोटे पीस में काट करके डालेंगे। हल्का सा चलाते हुए प्याज को हम भुनेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसी के साथ मैंने यहीं पर आधा कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डाला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, जो भी आप सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ में ही 1 टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इन्हें चलाते हुए हल्का सा हम पकाएंगे, जब तक कि अच्छे से चुकंदर पक जाता है और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। इन्हें चलाते हुए हमें पकाना है बीच बीच में, इस तरह से अच्छी तरीके से हमें इसे पका लेना है। अब यहीं पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच यहीं पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे और यहीं पर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, लगभग 1/2 चम्मच के आसपास। उबला हुआ आलू लगभग 5 से 6, मेरे पास बड़े साइज़ के उबले हुए आलू थे जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है। आप चाहें तो हाथों से भी अच्छे से मैश करके यहाँ पर आलू को ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें गुठलियाँ या गाँठे वगैरह ना रहे, अच्छे से आलू जो है वो मैश हो जाए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए आलू का मसाला तैयार हो गया, इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने नाश्ते के लिए एक चटनी तैयार करनी है, जिसके लिए हम मिक्सर जार में भुनी हुई मूंगफली ऐड करेंगे। आप चाहें तो मूंगफली तेल में फ्राई करके या फिर मूंगफली को तवे पर रोस्ट करके ले सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, तीखी के लिए 2 हरी मिर्च, 1/2 टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच पानी ऐड किया हुआ, जितना भी चटनी में हो सकता हो उस हिसाब से। साथ में यहाँ पर 4 कड़ी पत्ते डाल करके अच्छे से मैंने इसे पेस्ट बना के तैयार कर लिया हुआ है। इस तरीके से बनाई हुई चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बट ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, और ख़ास करके इस नाश्ते के साथ तो 4 चम्मच लग जाते हैं। इसके बाद से हम 2 चम्मच तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, साथ में ही 4 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और लगभग 1/3 टीस्पून राई ऐड करेंगे। जैसे ही राई चटक जाएगी, इसे इस गर्मा गर्म तेल को हम अपने चटनी के ऊपर डाल देंगे, इससे हमारी चटनी में जान आ जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अब अच्छी तरीके से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और खाने में चटनी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो लीजिए बनकर के आज की रेसिपी की चटनी तैयार हो गई, इसे हम साइड में रख देते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर नाश्ते को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुथा हुआ आटा लिया हुआ है, आप चाहें तो रात के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बचा हुआ आटा तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 1 कप आटे को गूंथ करके ले सकते हैं। तो मेरे पास आटा रखा हुआ था, मैंने वही यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। नॉर्मल हमें रोटी बनाने जैसे आटा गूंथते हैं ना, वही वाला हमें आटा चाहिए। 1 लोई बना लेंगे और लोई बना करके जैसे नॉर्मली हम रोटी खाने के लिए घर में बनाते हैं, उसी तरह से एक नॉर्मल सी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली, 1 मीडियम साइज़ की रखेंगे। देख सकते हैं आप सभी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। नॉर्मल जैसे हम रोटी घर में खाते हैं उसी तरह की एक रोटी मैंने बना करके तैयार की हुई है। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के साइड में रखेंगे। रोटी के एक किनारे पर इस तरह से अच्छे से हम यहाँ पर पानी लगाएंगे। देख रहे हैं आप सभी, मैंने लगा रही हूँ बस इस तरीके से। हल्का सा रोटी को उठा करके किनारे पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे किनारे को भी इस तरह से रख करके हम फोल्ड करेंगे। अब इससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा कि कितना हमें यहाँ पर फोल्ड करके पानी लगाना है। दूसरी तरफ से भी यहाँ पर हम नाश्ते पर इस तरीके से पानी लगा देंगे और इसे भी फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। सेम प्रोसेस हमें तीसरी तरफ भी करना है, बस यहाँ पर भी जो किनारे वाला हिस्सा है यहाँ पर पानी लगा करके अच्छे से फोल्ड कर देना है। देख रहे हैं आप सभी, बस इस तरीके से हल्का हल्का हाथों से दबा देना है इन्हें और फिर नाश्ते को पीछे की तरफ से पलट देना है। अब हमें क्या करना है, जो आलू का मसाला हमने तैयार किया हुआ है, नॉर्मल जो छोटी सी हमारे पास चम्मच होती है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच आलू का मसाला लिया हुआ और बीच में रख दिया हुआ एक जगह इकट्ठा करके। इसके बाद से जो तीनों किनारे हैं इन्हें हम इस तरह से आपस में एक पास इकट्ठा कर लेंगे और फिर हमें क्या करना है, जो किनारे वाले हिस्से खुले हुए हैं उन्हें इस तरह से उंगली के अंगूठी के आसपास वाली जो उंगली है इस तरह से उसकी हेल्प से दबाते हुए लॉक करना है। देखें आप सभी, इस तरह से मैं आपस में चिपका रही हूँ, बस इन्हें इस तरह से चिपका देना है, यहाँ पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली ये आपस में चिपक जाएंगे। देख रहे हैं आप सभी, बस इस तरह से अच्छे से इन्हें दबा दीजिए, अच्छे से लॉक हो जाएगी। ऊपर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ हिस्सा है उसे अंदर की तरफ दबा दीजिए। देख रहे हैं आप सभी, कितना ज़्यादा सुंदर सा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से नाश्ता देखने में भी अलग लगता है, यूनिक लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए एक दूसरा तरीका बताती हूँ नाश्ते को बनाने के लिए। सेम प्रोसेस के साथ नाश्ते को इस तरह से किनारे की तरफ से मोड़ेंगे और दूसरे किनारे से भी नाप करके इस तरीके से मोड़ देंगे।
यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करें। तीसरे साइड को भी बस इस तरह से बराबर रख के ना मोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, उंगलियों से थोड़ा अच्छी तरीके से इसे दबा देना है जिससे कि अच्छे से आपस में चिपक जाए। अगर यहाँ पर आपने बर्तन यानी कि आटा ज़्यादा लगाया हुआ है रोटी में तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रोटी में ज़्यादा आटा नहीं लगाते हैं तो बस यहाँ पर एक बार बेलन चला दीजिए, अच्छे से नाश्ता जो है रोटियाँ जो है किनारे की अच्छे से आपस में चिपक जाएंगी। इसके बाद से बस इस तरह से बीच में आलू का मसाला रख दीजिए, किनारों को एक बार फिर से अच्छे से उठाते हुए ऊपर की तरफ लॉक कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से दबा दीजिएगा जिससे कि ऊपर का नाश्ता जो है अच्छे से लॉक हो जाए, जो रोटी आपस में अच्छे से चिपक जाए। बस किनारों को भी हमें अच्छे से आपस में लॉक कर लेना है ताकि आपस में बिल्कुल नाश्ता चिपक जाए, और इस तरह से अच्छे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ऊपर का हिस्सा अगर ज़्यादा लग रहा है एक्स्ट्रा तो इस तरह से उंगली की तरफ से उठाते हुए इसे अच्छे से बिल्कुल घुमाते हुए यहाँ पर हमें तोड़ करके निकाल लेना है। देख रहे हैं आप सभी, इस तरह से तोड़ करके निकाल देंगे और फिर इसे आपस में इस तरह से चिपका करके हल्का फुल्का जो आटा है उसे अंदर की तरफ दबा देंगे। बस इस तरह से हम नाश्ता बन गया है। अब दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे आसान लगे आप उस तरीके से नाश्ते को बना सकते हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पर गैस पे तवे को रख दिया था, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया हुआ है, और नाश्ते के जो पीछे वाला हिस्सा है इस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे इस तरीके से, और तवे पर इस तरीके से रख करके हल्का हल्का सा दबा देंगे। अब सेम प्रोसेस है, सभी नाश्तों को पीछे वाले हिस्से की तरफ थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाएंगे और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर तवे पर इस तरह से चिपका देंगे। इसके बाद से हमें नाश्ते के बीचों बीच में इस तरह से थोड़ी थोड़ी गोल गोल सा पानी लगाना है। देख रहे हैं आप सभी, इस तरह से मैं गोल गोल लगा रही हूँ, इस तरह से लगा देना है। इसके बाद से नाश्ते के बीचों बीच में हम थोड़ी सी कलौंजी लगा देंगे जिससे कि हमारे नाश्ते का लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, देखने में काफ़ी सुंदर और यूनिक लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। नाश्ते को घुमाते हुए थोड़ी देर के लिए हम सेक लेंगे जिससे कि नाश्ता नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाए, फिर तवे को पलट करके हम गैस की फ्लेम पर डायरेक्ट इसे सेकेंगे। देख रहे हैं आप सभी, इस तरह से घुमाते हुए जिससे कि नाश्ता ना अच्छे से सिक जाए, बिल्कुल चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से सेकना है। थोड़ी थोड़ी देर पर रुक रुक करके इन्हें घुमाते हुए हमें चारों तरफ से अच्छे से नाश्ते को सेक लेना है ताकि नाश्ता बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। थोड़ी देर में ही नाश्ता अच्छे से फूल जाएगा और धीरे धीरे सिक जाएगा। जब नाश्ता ऊपर की तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो यहाँ पर घी, तेल, बटर, आप जो भी खाना पसंद करते हैं वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी लगाया हुआ है सभी नाश्तों के ऊपर। अच्छे से लगाने के बाद एक बार मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ कि नाश्ता हमारा नीचे से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है, बिल्कुल नाश्ता जो है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को पीछे से भी दिखा दे रही हूँ, नाश्ता जो है मीडियम फ्लेम पर था इसलिए जला नहीं है और धीरे धीरे अच्छी तरीके से पक गया है। नीचे की लेयर काफ़ी खूबसूरत क्रिस्पी हो गई है। इसे हम किनारों की तरफ अगर थोड़ा मोड़ा नाश्ता देख रहे हैं तो जैसा कि कच्चा दिख रहा है हल्का सा, तो मैंने इस तरह से इन्हें पलट करके खड़ा करके पकाने के लिए रख दिया हुआ। तो इस तरह से किनारों की तरफ जो थोड़े मोड़े कच्चे हैं गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इस तरह से नाश्ते को घुमाते हुए बहुत ईजिली सीख लेंगे जिससे कि नाश्ता जो है वो कच्चा भी नहीं रहेगा और अपने तीनों ट्राइंगल्स की तरफ से अच्छी तरीके से सीख जाएगा। यहाँ पर नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसे सर्व किया हुआ अपनी आज की फेवरेट चटनी के साथ, तो यहाँ पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म, बिल्कुल टेस्टी डिलीशियस। और यकीन मानिए एक से दो आप खा लेंगे, तीसरी का नाम नहीं लेंगे। मन तो करेगा बट पेट कहेगा बस करो, आज तो पूरा का पूरा भर गया हूँ मैं, इतनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है। इस तरीके से मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व कर लिया हुआ चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ। आप जिस चाहे उसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।